Assalamu alaikum friends, welcome to Tax Dosti reporting videos. What is Tax Dosti? Tax Dosti is the easiest way to enter the tax net of Pakistan. Welcome, aur jo hai aap is nayi welcome se soch rahe honge ki ji Tax Dosti ki video jab hum shuru karte the to zara different welcome hota tha, to welcome new karne ki wajah ye hai ki tax year 2020 start ho gaya aur federal budget 2019 jo hai pesh ho chuka hai aur wo finance act jo hai kya kehte hain 2019 ban chuka hai aur aaj se hum start karenge. Aap dekh rahe hain basically finance act 2019 pe price waterhouse coopers ki jo commentary hai Pakistan mein jo sabse badi firm hai AF Ferguson and company aur duniya ki jo sabse badi audit ya chartered accountant firm hai price waterhouse coopers jo AF Ferguson Pakistan mein represent karte hain unke federal budget ke memorandum aur unke jo notes hain uske help se main jo hu मैं एंथनी विलियम्स आपका टैक्स दोस्त मैं जो हूं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो नया बजट है वो रेजिडेंट लोगों के लिए नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए सैलरीड पर्सन बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए रेंटल इनकम जो कमाते हैं जो और इनकम कमाते हैं या जो कोई इनकम भी नहीं कमाते या पेंशनर है उनके लिए वो कैसे कैसे अफेक्ट किया और बेसिकली टैक्स दोस्ती का नया वेलकम का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके टैक्स नेट में लाने के लिए FBR शबर जैदी साहब की थ्रू जो बेसिकली प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में AF Ferguson के सीनियर पार्टनर हैं और इमरान खान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं तो उसी कोशिश के सिलसिले में हमने एक कंप्लीट सर्विसेज का पैकेज बनाया है जहां हम एक घंटे की कंसल्टिंग से शुरू करते हैं चाहे आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या एक प्राइवेट लिमिटेड या एज ए पार्टनरशिप अपना बिजनेस करें या आप ऐसे कोई इंडिविजुअल हैं चाहे सैलरीड हैं या घर पर हैं रिटायर्ड पर्सन हैं लेकिन आपके मुख्तलिफ एसेट्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगले 3 साल की टैक्स प्लानिंग क्या होनी चाहिए तो हम एक बहुत ईजी पैकेज बनाए हैं 1 घंटे की कंसल्टिंग का जहाँ पर आप जान सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप टैक्स नेट में एंटर होंगे चाहे इंडिविजुअल हैं चाहे बिजनेस पर्सन हैं या कोई और किस्म का बिजनेस करते हैं ऑनलाइन बिजनेस जिस तरह आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स करते हैं या स्टार्टअप चलाते हैं तो आया आपको मतलब रजिस्टर होने का ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स पे करना है जैसे स्टार्टअप्स और आईटी फ्रीलांसर्स उसके अलावा और एग्जेम्पशंस भी हम यहाँ देखेंगे टैक्स एग्जेम्पशंस तो उनको रजिस्टर होना है लेकिन टैक्स नहीं पे करना सिर्फ टैक्स फाइलिंग करनी इसी तरह बहुत सारे एग्जिस्टिंग लोग भी जो सप्लायर्स हैं रिटेलर्स हैं होलसेलर्स हैं स्मॉल बिजनेसमैन हैं ज्वेलरी का काम करते हैं आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आप फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं तो उनके हवाले से यहाँ बात होगी लेकिन टैक्स दोस्ती का जो 1 घंटे की कंसल्टिंग में हम आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ना सिर्फ FBR के साथ बल्कि अगर SECP के साथ करना है कोई प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के साथ करना है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ है या स्टेट बैंक के साथ है या फूड अथॉरिटी के साथ आपने रजिस्टर तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको बताएंगे चाहे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी और फिर ये बताएंगे कि उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसकी बुककीपिंग और अकाउंटिंग के क्या तरीकेकार हैं तो इंशाल्लाह बात होती रहेगी कि टैक्स दोस्ती इज़ द ईजिएस्ट वे टू एंटर द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान और FBR के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है ना taxdosti.com पे जा सकते हैं और taxdosti.com पे इंशाल्लाह बहुत जल्द टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमारे एड्स लगेंगे और हमारा ब्लॉग है जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज चलेगी हमने एक 2-पार्ट सीरीज बनाई है जो फाइनेंस एक्ट 2019 का जो कानून आया था उस कानून को डिस्कस किया लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैंने पहले गूगल सर्च की PwC कमेंट्री ऑन FBR फाइनेंस एक्ट 2019 तो मेरे पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स आए इन 2 डॉक्यूमेंट्स को मैं समझाना चाह रहा हूँ आज हम ब्रीफली इनको देखेंगे और फिर इंशाल्लाह फेडरल बजट 2019 से शुरू करेंगे फेडरल बजट वो होता है आप देख सकते हैं ये 12 जून 2019 को आया यानी जब बजट बन के आया तो ये वो डॉक्यूमेंट है उस वक्त फाइनेंस बिल 2019 था और उसको अभी नेशनल असेंबली सेनेट और प्रेसिडेंट से पास होना था ये बेसिकली उन्होंने समरी दी है जो मुख्तलिफ कानून चेंज हुए इनकम टैक्स सेल्स टैक्स हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स तक लिमिटेड रहेंगे बाकी फेडरल कस्टम और अदर लॉज भी देख लेंगे और याद रखें जो
फेडरल गवर्नमेंट देती है वो कानून इस्लामाबाद के लिए आता है, और अगर वो इनकम टैक्स वगैरह का कानून है तो फिर वो पूरे मुल्क के लिए, सेल टैक्स का, फेडरल एक्साइज का, ये पूरे मुल्क पे एप्लीकेबल है। और कुछ कानून है जैसे इस्लामाबाद सेल्स टैक्स का जो कानून है वो सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ICT, आपने मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स पे और जगत पे देखा होगा, तो ICT कहते हैं कैपिटल को, तो वो कानून उससे। तो बेसिकली ये जो मेमोरेंडम है इसके अंदर उन्होंने बहुत डिटेल्ड में एक तो बजट के बारे में और फिर जो इनकम टैक्स में चेंजेस आई हैं और सेल्स टैक्स वगैरह में, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें प्रपोज्ड है। अब 1 जुलाई पर 30 जून 2019 को वो बिल अप्रूव हो गया अमेंडमेंट्स के साथ। तो फाइनेंस एक्ट 2019 जब आया तो PwC ने जुलाई 4 को ये नोट्स जारी किए। PwC फर्गसन आप देख सकते हैं। हम ये बताने का मकसद है कि ये हमारी रिसर्च नहीं है टैक्स दोस्ती की, ये AF प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और फर्गसन जो मेमोरेंडम और नोट्स निकालते हैं हम उनको देखते हुए, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये PwC कमेंट्री ऑन FBR ये आप दें तो आपके पास ये नोट्स आ जाएगा जो सेकंड डॉक्यूमेंट है, और फेडरल बजट 2019 PwC पाकिस्तान का आएगा। और अगर आप ACCA CA कर रहे हैं या आपको और इंटरेस्ट है तो प्रोविंशियल जो बजट्स आए थे सिंध और पंजाब के, ये भी प्रपोज्ड फाइनेंस एक्ट्स थे पंजाब के और सिंध के, फिर ये भी बने तो आप इन पे भी है और प्रीवियस ईयर्स पे भी, क्योंकि एवरी ईयर एक ट्रेडिशन है बड़ी फर्म्स में, अच्छी फर्म्स में, कि वो एक मेमोरेंडम निकालते हैं बजट पे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उससे टैक्सेस में चेंजेस वगैरह आते हैं और उससे ऑडिट वगैरह पे भी फ़र्क पड़ता है और कंप्लायंसेस पे भी। तो अगर आप समझ गए तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले हर साल बजट आता है जिस पे ये मेमोरेंडम निकलता है। इसमें उन्होंने ब्रीफली बताया है ये 12 तारीख को है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूँ कि बेसिकली इस वक्त फाइनेंशियल ईयर 18-19 और ये 17-18 के उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, और अब जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 18-19 का था, उसके मुताबिक ये हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो आ चुके हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं तो आपने ये देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो अभी 30 जून 2019 को ख़त्म हुआ है, हमारा पर कैपिटल इनकम यानी एक शख्स पाकिस्तान में ऑन एवरेज कितना कमाता था, तो ये एवरेज फिगर है $1,497 का मतलब है, और अगर इसको मैं एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करूं तो ये तकरीबन 20,000 रुपये सालाना बन जाते हैं, ठीक है ना जी। अब अगर आप 20,000 रुपये साल का कमा रहे हैं तो बिल्कुल आप फिर जो है ना समझे कि गुर्बत की लकीर पे हैं, और अगर आप 20,00,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप उससे 10 गुना या 100 गुना आगे हैं, और अगर आप 2,00,000 कमा रहे हैं तो आप उससे 10 गुना आगे हैं। तो आप अपनी रिलेटिव वेल्थ जो है, क्योंकि देखें टैक्स दोस्ती में हम हमेशा बात करते हैं कि आपको टैक्सेशन तो अभी समझा रहे हैं, जो एक हमारा एक मिशन है, ये हमारा पहला साल भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह 30 अगस्त को चैनल का, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसमें जो है आपने अगर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है, आपकी वेल्थ क्या है, तो आपने 20,000 रुपये के हिसाब से देखना है कि आप साल का 20, ऑब्वियसली इस साल और इन्फ्लेशन हुई है यानी महंगाई हुई है, तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती तो शायद ये कम हो, तो और भी कम हो सकती है 20,000 से भी कम। तो आप अगर उससे उस पे हैं या उससे ज़्यादा हैं तो उस मुताबिक आप अपनी रिलेटिव वेल्थ देख सकते हैं। हर बंदे के पास वेल्थ होती है यानी उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसके वेल्थ होते हैं, चाहे उसकी एजुकेशन हो, चाहे उसके पास कैश हो, चाहे उसके पास एक कारोबार उसने बना लिया, जो कुछ भी हो, तो सारी चीज़ें मिलके आपकी वेल्थ बनती हैं। तो ये एवरेज इनकम है जो वो सारी चीज़ें कमाती हैं, और ये किसी एक शख्स की नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान की है और बाहर पाकिस्तानी की है, लेकिन एवरेज इनकम है। तो अगर आप 20,000 कमा रहे हैं पूरे साल का तो आप गुर्बत की लकीर पे हैं, और अगर आप उस पर 10 टाइम ज़्यादा 2,00,000 या 100 टाइम 20,00,000 कमा रहे हैं तो उससे ज़्यादा है। और कोशिश करें कि इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें एज ए डॉक्टर, लॉयर, एज ए प्रोफेशनल, या अगर आप कहीं काम करते हैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव या कहीं कोई काम भी करते हैं, आप क्लर्क हैं या रिक्शा चलाते हैं, तो अपना काम इस तरह करें कि आपके इर्द गिर्द जो इकॉनमी है वो ग्रो करे। ऐसे ना हो कि आप तो फ्लरिश करें, आप तो आगे बढ़े, आपकी तो इनकम बढ़े,
ہر سال بڑھتی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو اندازہ ہوگا جو ٹیکس فائلنگ کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا پچھلے سال کتنے سال کتنی انکم کی, اس سال کتنی انکم انہوں نے ڈکلیئر کی. آپ کی انکم تو بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی آرگنائزیشن میں وہ اتنی اسپیڈ سے گرو نہیں ہو رہی یا ملک نہیں گرو کر رہا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے. انفلیشن ہے, پھر وہی بات ہے, قرضوں کی بات ہے. 28,000 جو ہے کیا کہتے ہیں بلین, یہ ہے تقریباً 28 ٹریلین جو ہے کیا کہتے ہیں روپیز قرضہ ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر جو اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے اے سی سی اے سی اے والے ہیں یا ایون لائرز وغیرہ ہیں, وہ ذرا دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کیسے مینٹین کیے جاتے ہیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ گورنمنٹ کو ٹیکس ریونیو کتنا آ رہا ہے, اس کے علاوہ وہ ریونیو کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ صوبوں کو کتنا دیتے ہیں, ان کے خرچے کتنے ہیں, ڈیولپمنٹ پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, بینکوں سے کتنا لے رہے ہیں, اس طرح کی باتیں. اور پھر کہاں بورو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ سب چیزیں دی ہیں, بینکوں سے لے رہے ہیں. اب ینگ لوگوں کو اگر بینکس قرضے نہیں دے پاتے تو اس کی وجہ بہت سارے یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ لیتی ہے بینکوں سے قرضے, تو وہ زیادہ سیکیور ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے, بینکوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پیسے واپس کرے گی تو وہ ینگسٹر کو پیسے نہیں ملتے, یا ینگسٹر چھوڑ دیں تو وہ لوگ جو انٹرپرینیورز ہیں چاہے وہ بڑی ایج کے کم ایج کے, ان کو اتنے ریسورسز نہیں ملتے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے ہماری اکانومی میں وہ یہاں پہ ہے. جب تک آپ اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اس وقت تک آپ کی میری جو ڈسکشن ہے وہ فیکٹس پہ بیسڈ نہیں ہوگی. اسی طرح کس طرح انکم ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, 3,000 سے زیادہ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اس کا مطلب ہے جو ہر ایک شخص پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, اور جو صرف وہ لوگ جو انکم کماتے ہیں زیادہ اماؤنٹ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان پر جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ کم ہے. تو اس کو چینج کرنا ہے, یہ 3,000 سے اس کو یہی رہنے دینا ہے, اور یہ بیسکلی عمران خان جو کہتے ہیں کہ 5,000 یا 8,000 تک اس کو لے کے جانا ہے. اس سال کے لیے بھی 5,000 ہے, لیکن اس میں سے 3,744 جو ہے وہ سب لوگوں سے کلیکٹ ہوگا, ہر بندہ تھوڑا تھوڑا جو جتنا کنزیوم کرے گا, فار ایگزامپل سیلس ٹیکس اتنا جو کنزیوم کرے گا, جو امپورٹ کرے گا وہ کسٹم ڈیوٹی, اس کے علاوہ جو پٹرول ڈالے گا وہ 216, جو گیس استعمال کرے گا وہ 30, یہ ظاہری بات 30 بلین کی بات ہو رہی ہے, 30 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے, جو نیشنل گیس استعمال کرے گا اتنا ٹیکس دے گا, اور بھی کچھ ہیں. تو یہ تو کنزمپشن ریلیٹڈ, جو استعمال کرے گا جتنا استعمال کرے گا, اور خاص طور پہ اگر وہ چوری نہیں کر رہا تو اگر آپ کے ارد گرد لوگ گیس چوری کر رہے تو سمجھ جائیں کہ ان کا ٹیکس بھی آپ ہی بھر رہے ہیں, گیس کا یا پیٹرول کا, اگر پیٹرول چوری کر رہے ہیں یا جو ہے کیا کہتے ہیں اور کسی قسم کے بھی جو ریسورسز ہیں ملک کے یا پرائیویٹ لوگوں کے, اگر ریسورسز چوری ہو رہے تو اس کا ٹیکس آپ بھی. اگر ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے ورکر ویلفیئر فنڈ چھوڑ کے, یہ صرف کمپنیز پے کرتی ہیں, یہ 5 بلین ہے. انکم ٹیکس جو 2,000 کلیکٹ ہو رہا ہے اس دفعہ, 5,000 یہ وہ ٹیکس ہے جو اصولاً وہ لوگ دے رہے ہیں جن کی اتنی انکم تھی کہ اس میں سے 2%, 5%, 10% تک وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اس سسٹم کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو شبر زیدی صاحب اور عمران خان اس کو بہتر کر رہے ہیں پالیسیز بنا کے نئے. اور ہم ظاہری بات ہے یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز, اور یہ پارٹ 1 ہے فائنانس ایکٹ 2019 کا. ہم پی ڈبلیو سی کی کامنٹری یوز کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ہم آج جو ہے نا صرف یہ جو ڈفرینٹ پرپوزڈ چینجز تھیں وہ, اور جو پھر ایکچولی ہوئی ان پر بات کریں گے, یعنی ایکچولی جن میں چینجز یا تو ہو گئی یا پھر جو ہے نا ان کو ریموو کر دیا گیا, جو رہ گئی وہ یہاں نوٹس میں شو رہی ہیں. کہنے کا مطلب ہے گورنمنٹ نے تو بہت سارے پرپوزلز دیے, یہ بہت سارے پرپوزلز ہیں جو ریڈ میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں, ان میں سے کتنے جو ہے نا اپروو ہوئے, اور ان میں سے جو اپروو ہوئے وہ فائنلی کس صورت میں اپروو ہوئے, یعنی ان میں کتنا ٹیکس لگا یا کتنا ٹیکس کم ہوا, تو یہ جو ہے نا اس پہ بات ہے. یہ دوسرا نوٹ ہے نوٹس پہ, تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. انکم ٹیکس میں آپ, اور یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ جب آپ ٹیکس لا میں آ جاتے ہیں, جتنے بھی لوگ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں اور ان کو ابھی تک ہم فائلر کہتے تھے, یعنی فائلر اور نان فائلر کہتے تھے, فائلر حضرات کے لیے اب بہت زیادہ جاننا ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا بہتر کیا. انہوں نے سسٹم کا نام پہلے سے ہی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ تھا, لیکن اس سسٹم کو انہوں نے بہتر کیا تاکہ کچھ لوگوں کے ساتھ, جیسے نان ریزیڈنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی کہ مجبوراً انہیں فائل کرنا پڑتا تھا. تو یہ سسٹم انہوں نے بنایا ہے, اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے شروع کریں گے کہ انکم ٹیکس میں گورنمنٹ نے کیا پروپوز کیا کہ
वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं आते उनको कैसे डील किया जाएगा, तो ये जो है ना यहाँ पे उसकी डिटेल है। तो ये नंबर वन प्रपोजल है जो उन्होंने दिया, ठीक है। और फिर इसी से रिलेटेड एक और है कि फिर कौन कौन से विदहोल्डिंग टैक्सेस उन पे लगेंगे जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है। मैं थोड़ा बता दूं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पहले भी मौजूद थी, जो शख्स अपने आप को फाइलर कहता था वो वही शख्स था जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिसका नाम आ रहा था, जो आप SMS 9966 पर भेज के चेक करते थे या आप जाके ऑनलाइन NTN वेरिफिकेशन वाली FBR की वेबसाइट पर जाके चेक करते थे, तो बेसिकली उस डेटाबेस को चेक करता था। और बैंक्स और जो जितने भी कोई अगर ब्रोकर है या फॉर एग्जांपल कोई कार डीलर है, वो सारे उस डेटाबेस को चेक करते थे जब आप वहां जाके गाड़ी या कोई भी चीज़ लेते थे या कस्टम का कोई इदारा या एक्साइज या टोकन पे करने जाते थे या एयर टिकट लेते थे, तो वो सारे वो यही लिस्ट चेक करते थे। लेकिन ये बैकग्राउंड में थे और सामने फाइलर नॉन फाइलर वाला था, ये वर्ड्स हट गए। और जो है ना वो इसी तरह विदहोल्डिंग जो है वो अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे जो नहीं होगा उनकी विदहोल्डिंग कैसे होनी है उस पर बात होगी। अच्छी बात है, उन्होंने तफसील दी है। मैंने तो इस पे पिछले साल यानी 2018 जुलाई से लेके दिसंबर तक इस्लामाबाद के अखबार में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे कि ये अनफेयर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद से जो है ना बहुत सारे सुओ मोटो लिए थे कि ये सिस्टम सही नहीं है कि आप जो है ना विदहोल्डिंग सब लोगों से करते हैं और जो लोग जिनको फाइलर बनने की ज़रूरत ही नहीं है उनसे नॉन फाइलर रेट लेके आप डबल उनसे चार्ज करते हैं। तो इस तरह की बातें। अच्छा, ये जो कंपैरिजन हम करेंगे कि यहाँ गवर्नमेंट ने प्रपोज क्या किया था और यहाँ, यानी आप देखें ये जो पहला प्रपोजल है कि स्पेशल प्रोविजन्स होंगी फॉर पीपल पर्सन नॉट अपेयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये आया फिर फाइनल बजट का यानी फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बना। तो हाँ जी बिल्कुल, ये सेक्शन 100 है, तो यहाँ चूंकि सेक्शन वाइज उन्होंने एक्सप्लेन किया तो यहाँ आप देखेंगे कि वो बना उसका हिस्सा फाइनेंस एक्ट का। इधर देख लेते हैं जी, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो इसमें यहाँ पे दिखाने के लिए कि आया वो, ये 7th स्केड्यूल है, ये 10th स्केड्यूल है। तो रूल्स फॉर पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न और स्टेट, तो ये उन्होंने कंबाइन करके जो है ना यहाँ पे लिख दिया है, ये है नोट। तो ये वो चीज़ है जो फाइनल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2019 PwC कॉमेंट्री पार्ट 1, PwC कॉमेंट्री को यूज करते हुए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टैक्स लॉ, तो बेसिकली ये जो नोट्स हैं ये फाइनल है। जो बात यहाँ की जाएगी वो फिर फाइनल रूल है जो फिर आपने अपनी टैक्स फाइलिंग पे या कंसल्टेंट है तो अपने क्लाइंट्स की टैक्स फाइलिंग पे अप्लाई करना है, देखते हैं जी फिर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो कहते हैं कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेने के लिए भी तरीका बताया गया है। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट क्या होता है टैक्स लॉ के अंदर, और मज़े की बात है जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते उन बहुत सारों को नहीं पता होता। इसमें बड़ी बड़ी एग्जांपल्स मेरे पास IT फ्रीलांसर्स हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, स्टार्टअप्स हैं, उसके अलावा भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और इदारे हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वगैरह भी शामिल है, वो एग्जेम्प्ट हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो जब वो कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिस पर जो एग्जेम्प्ट होते हैं वो कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उस ट्रांजेक्शन पर टैक्स उनसे कटता है तो उसके लिए उनको एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है, खासतौर पे अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये तरीक़ाकार सिंपल बनाया गया। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल पर बहुत सारे रूल्स बने हैं, आप ये सबसे वो रूल्स हैं जो सबको आम फेम पता है कि जी सेलिंग पे बाइंग पे एडवांस टैक्स कटता है। यहाँ इसमें फिर दोबारा उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली चेंज किया है, तो हम यहाँ इनकी कॉमेंट्री देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। उसके अलावा ये चीज़ जो है ना ऐड हुई है जिसको फिर हम नोट्स में देखेंगे कि आया वो फाइनल बिल का हिस्सा बने कि नहीं, कि अगर अब आप एसेट्स लेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो क्रॉस चेक से, और 1 मिलियन कोई गाड़ी वगैरह कोई घड़ी कोई और चीज़ जो है तो उसको जब रीसेल करेंगे ना तो तब प्रॉब्लम आएगा अगर आपने
क्रॉस चेक से, बैंकिंग चैनल से, यानी पे ऑर्डर वगैरह से नहीं। तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें, लेकिन मकसद ये कि वो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह फाइनल टैक्स कहते हैं, हमारी वीडियो भी है हमारी taxdosti.com पे, अगर आप चले जाएं तो सेकंड पेज है लर्न इनकम टैक्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे FTR का पर बात की है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे कि जी विदहोल्डिंग टैक्सेस क्या होते हैं, ये वीडियो है, और ये है फाइनल टैक्स। और मैं समझता हूँ एक आर्टिकल जो इसमें आया था ट्रिब्यून में, बहुत अच्छा आर्टिकल था, और उसको मैंने बहुत डिटेल में, और जिसको हम कहते हैं यहाँ पे टैक्स दोस्ती में, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है। तो आप ज़रूर चेकआउट करें, इवन अगर आपका डायरेक्टली टैक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टैक्स लगाने के तीन तरीके, नॉर्मल टैक्स, फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स। तो कहीं कुछ लोगों के लिए फाइनल टैक्स का तरीका चेंज हो गया मिनिमम में, ठीक है। इसी तरह इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स, वो डिविडेंड जो एक ही हेड ऑफिस की डिफरेंट जो कंपनीज है वापस में देती है, उनसे रिलेटेड रूल्स चेंज हुए, बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम्स, सेल्स टैक्स को यहाँ इनकम टैक्स के साथ मिला के अगर कोई कमीशन कमा रहा है ऐसे आइटम्स पे जिन पे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ही रिटेल सेलिंग प्राइस फिक्स कर दी जाती है। आप अक्सर देखते हैं अगर किसी सुपर स्टोर में जाएं, ग्रॉसरी स्टोर में जाएं, तो वहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्राइस के बाद प्लस सेल्स टैक्स लिखा होता है, और वो मैन्युफैक्चरर नहीं लिख दिया होता है, तो दरमियान में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है सिर्फ अपना मार्जिन या अपना डिस्काउंट लेते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड ये इन्होंने क्लैरिटी दी है, और हमारे पास टैक्स दोस्ती की वीडियोस में तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली हमारी कंसल्टिंग में हमने इस पे पिछले साल काफ़ी काम किया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, होलसेलर कौन है। लोग गलत, देन अगेन देखें, टैक्स दोस्ती रजिस्ट्रेशन का सबसे आसान तरीका इसलिए क्योंकि जब आप रजिस्टर होंगे तो सौ मैटर है कि आपने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर होना है या एज अ होलसेलर होना है। इससे आपकी टैक्सेशन इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स के कानून में, फेडरल एक्साइज में, पंजाब रेवेन्यू था, मुख्तलिफ जगहों पे उसके मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और कानून की कोशिश तो है कि आपको एक आसान तरीका दे, लेकिन इतने सारे कानून जो है आपको अगर एक जगह पर हम एक घंटे की, या अगर बड़ा बिजनेस है तो कुछ अरसे की कंसल्टिंग के बाद आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि आपने कौन कौन से कानून पे कंप्लायंस लेनी, कौन कौन से बेनिफिट्स लेने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जेम्पशन की बात हुई। तो ये हमने जो काम किया काफ़ी सारा वो ये था कि बहुत सारे होल सेलर जो अपने आप को कहते थे और पूरी पूरी अमाउंट पे विदहोल्डिंग करा रहे थे, एक्चुअली वो कमीशन एजेंट्स थे, और उनको हमने उनका स्टेटस बेहतर किया तो उनकी डिडक्शन रिड्यूस हुई, उनका कैश फ्लो बेहतर हुई। तो यहाँ भी बात करेंगे कि कैसे। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज की और बैंकिंग कंपनीज की टैक्सेशन डिफरेंटली होती है, ये आम बिजनेसेस की तरह नहीं होते, तो इस वजह से इनसे रिलेटेड इनकम टैक्स कानून में अलग से रूल्स दिए हुए, और उन रूल्स में कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, उस पर देखेंगे, बात करेंगे। जनरली हमारी कोशिश है कि वो पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा लोगों को, यानी ऐसा कोई पॉइंट जैसे ये सबसे नंबर वन वाला जो है, ये पॉइंट अब सारे पाकिस्तान के लोगों को अफेक्ट करेगा, कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर तो सिर्फ अभी फिलहाल 2 मिलियन लोग हैं, फिर अगर टैक्स फाइलिंग बढ़ती है, जैसे टैक्स दोस्ती चाह रहा है कि 1 करोड़ लोग टैक्स फाइल किया करें, तो एक्टिव टैक्स पेयर पे अगर 1 या 2 करोड़ लोग होंगे तो बाकी 20-22 करोड़ लोग जो हैं फ्यूचर में भी और अभी भी तो वो जो है उनको ये सेक्शन अफेक्ट करेगा, और उनको पता होना चाहिए विदहोल्डिंग। इसी तरह और ये जो परचेज ऑफ एसेट्स है ये सारे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ अगर आप बेनामी के कानून को ऐड कर लें तो फिर और भी ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा कि टैक्स नेट का ये मतलब नहीं है कि आप कारोबार चला रहे हैं तो सिर्फ आपने टैक्स नेट में आने, हो सकता है आप रिटायर्ड पर्सन हैं लेकिन आपके एसेट्स हैं वो भी अब टैक्स नेट में आपको ला रहे हैं, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे कि वो रिटर्न फाइलिंग में वो शामिल है, कि अगर आपके पास घर है या फ्लैट है वगैरह वगैरह, तो जो पहले भी था लेकिन अब लोगों के सामने आए। तो ये जो परचेज ऑफ एसेट्स है थ्रू बैंकिंग चैनल, ये जो है ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह की चेंजेस हैं जिस पे बात करेंगे। हम कह रहे थे कि बैंकिंग के रूल्स अलग हैं। फिर विदहोल्डिंग टैक्स होती है कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन से, ये अब टेक्निकल टर्म है, ऐसी कंपनियां जो दूसरे मुल्कों में है लेकिन पाकिस्तान में आके कंस्ट्रक्शन कर रही हैं और काम कर रही हैं उनसे रिलेटेड है।
कॉर्पोरेट टैक्सेशन का मतलब है कंपनीज, यानी इसमें आती हैं प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो है, और गवर्नमेंट के जितनी भी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है बिजनेस करने के लिए अपने सूबे में या और सूबों में, ये कॉर्पोरेट टैक्सेशन में और ट्रस्ट भी आता है. इसी तरह इंक्रीज हुआ है विदहोल्डिंग टैक्स में डिविडेंड पे, ठीक है जी. फिर जो कैपिटल गेन है आपको पता है वो डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज के बहुत सारे मतलब एक ये है कि अगर आपके पास लिस्टेड कंपनी में शेयर्स हैं वो सिक्योरिटीज हैं. उसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले जितने भी हजरात हैं उनके हवाले से ये प्रपोज चीज देखेंगे, क्योंकि मार्केट में अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले मेरा प्लान था कि ये नोट्स पे सिर्फ बात करें जो चीजें अप्रूव हो गई हैं, लेकिन मैंने कहा कि मार्केट में अगले साल तक हम सुनते रहेंगे जब तक नया बजट नहीं आएगा जून में, ये यहाँ की बातें जो लोग गलत समझ गए, या अगर कोई प्रपोजल हुआ और उसकी वजह से शोर मच गया कि जी ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया, हो सकता है नेशनल असेंबली में सेनेट में उसको रिड्यूस कर दिया और अब वो एग्जिस्ट ही ना करता, लेकिन उस पर बहस होती रहेगी, लोग बात करते रहेंगे. तो हम प्रपोज्ड चेंजेस इन टैक्स लॉज भी बात करेंगे और फिर जो एक्चुअल हुए उस पर जो उन्होंने मजीद अपडेट दिया, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मिला के देखेंगे. एक बड़ा यूजफुल जर्नी है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें और इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वीडियो बाय वीडियो करेंगे, और इस पर आप मोस्ट वेलकम यूट्यूब पे भी, और ये जब ब्लॉग पर, हमारे ब्लॉग पर जब ये लगता है तो वहाँ पे आप जाके ब्लॉग पे जाके फिर आप कमेंट्री भी कर सकते हैं. तो ये हम बात करेंगे. अब ये जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, चाहे घर रेजिडेंशियल घर है कमर्शियल है, उन्होंने अपनी इनकम पर टैक्स देना है और बहुत सारे नहीं है, और इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों शामिल है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आप ले जा नहीं सकते, तो नॉन रेजिडेंट पर्सन के भी घर अगर किराए पे या कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसने भी टैक्स देना और टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, और टैक्स रेट्स क्या होंगे यहाँ पे बात होगी. इसी तरह कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल मार्केटिंग, पोल्ट्री फार्म वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन पर कुछ मिनिमम टैक्सेस हैं जो चेंज हुए हैं, एग्जिस्टिंग क्या है, प्रपोज्ड क्या है, उन पर बात करेंगे. मिनिमम टैक्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है जी, इस पे बात होगी. फिर जो सर्विसेज के लोग हैं वो जो टैक्स, वो जो सर्विसेज देते हैं उनसे जो टैक्स डिडक्शन होती है और उनके क्या रेट्स हैं, ये बड़ा ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करना, क्योंकि जो पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स जो है ना मिडल मैन बन गया था. मिडल मैन का मतलब है कि ना तो वो अपनी चीज़ बेच रहा था और ना ही आगे वो बायर था, वो दरमियान में था, चाहे गाड़ियाँ थी, घर थे, कोई डील्स थी, कोई कारोबार था. क्यों? क्योंकि जो डीलर और कमीशन एजेंट और आरती यानी वो लोग जो फल फ्रूट और वेजिटेबल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट तक फार्मर से खरीद के, वो जो है ना सारी प्रॉफिट कमा रहा था और उसकी प्रॉफिट टैक्सेबल ही नहीं थी. तो ये गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स दी हैं, पहले भी थी, अब भी दी हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करना चैलेंज होगा, तो हम इस पर बात करेंगे. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिडल मैन पर अगर टैक्स बढ़ेगा तो फिर सैलरीड और नॉन सैलरीड लोगों पर टैक्स कम होगा. तो उसके हवाले से ये रेट्स के टेबल हैं. 6 लाख से ज़्यादा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो इस साल ये जो 1 जुलाई 2019 को शुरू है और 30 जून 2020 को ख़त्म हो गया, सॉरी, तो अभी तक चूंकि टैक्स ईयर 2018 की फाइलिंग चल रही है इसलिए 18 का वर्ड मुँह पे लगा हुआ है. 2 अगस्त 2019 लास्ट डेट है अगर आपने टैक्स ईयर 2018 फाइल करना है. लेकिन याद रखें टैक्स ईयर 2018, टैक्स ईयर 2019 जिसकी आप चेंजेस आप पढ़ रहे हैं, और ये जो है ना इसकी फाइलिंग टैक्स ईयर 2019 की जो है वो 30 सितंबर तक है, और हम जो ये चेंजेस पढ़ रहे हैं ये अफेक्ट करेंगे टैक्स ईयर 2020 को जो 30 जून 2020 में जाके ख़त्म हो रहा है. तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक जिन लोगों की 6 लाख, जिन सैलरीड लोगों की 6 लाख से कम सैलरी होगी, यानी 50,000 पर मंथ से कम होगी या 50,000 होगी, वो शख्स जो है ना टैक्स उससे डिडक्ट नहीं करने की ज़रूरत, ना उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत. जितना भी टैक्स उसका और जगहों पर कटा है मोबाइल वगैरह पे वो रिफंड ले सकते हैं. नॉन सैलरीड लोगों के लिए वही 4 लाख की लिमिट है, लेकिन नॉन सैलरीड में और AOPs में ज़्यादातर बिजनेस लोग आते हैं जो सेल्स पे नहीं करते लेकिन वो अपने प्रॉफिट्स पे करते हैं, तो उस तरह से उनके रेट्स सेट किए गए. एक तरह से ये रेट्स और ये रेट्स मिलते जुलते हैं, और यहाँ एक कंपेरिजन भी दिया गया कि पुराने रेट्स क्या थे सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए. और याद रखें कि जो लोग अपना नॉर्मल टैक्सेशन में आते हैं उन पे ये रेट्स लगते हैं, लेकिन जिन पे मिनिमम टैक्स वगैरह लगता है, जिस तरह अभी आपने यहाँ देखा कि कुछ इंडस्ट्री कुछ
यहाँ पे बात हो रही थी कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है ना वो उनके टैक्सेशन का तरीका चेंज किया जाएगा उनका फाइनल टैक्स की बजाय. फाइनल टैक्स कहते हैं जब आप प्रॉफिट्स पे नहीं अपनी सेल्स पे जब टैक्स पे कर दे और वो फुल एंड फाइनल हो तो वो आपका होता है. उस केस में आपको टैक्स वालों को अपने एक्सपेंसेस नहीं बताने पड़ते और बहुत सारे जो है ना बुक कीपिंग और अकाउंट्स नहीं करनी पड़ती. लेकिन जहाँ मिनिमम टैक्स हो या नॉर्मल टैक्स हो वहाँ पे आपको जो है ना बुक कीपिंग करनी पड़ती है. क्योंकि जिस तरह मिनिमम टैक्स अगर टर्नओवर यानी सेल्स पे लगा है तो आपने सेल्स भी प्रूफ करनी है. इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर हो जाएं तो फिर लाजमन जो आपने सेल्स टैक्स में रजिस्टर किया वही आपकी टैक्स के लिए भी इनकम टैक्स के लिए भी काउंट होगी. और उसके ऊपर जो मिनिमम टैक्स है वो भी ये दिया हुआ है. और उसके अलावा अगर आप उसको उससे ज़्यादा या कम होता है लॉस होता है तो फिर भी आप करते हो. और इसी तरह ये फार्मास्यूटिकल तो आप देख सकते हैं कि मिडल मैन को लाने से लेके सैलरीड पर्सन नॉन सैलरीड पर्सन उसके अलावा ये कंपैरिजन है. बाकी मिनिमम टैक्स है. अब इस तरह के एक और ग्रुप ऑफ पीपल है जो या तो रिटायर्ड लोग हैं या जिनकी वेल्थ काफ़ी है और उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में या बैंकों में. तो बैंक जो प्रॉफिट देता है उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं और उसके टैक्स रेट्स ये दिए गए हैं. और वो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह भी है उसके हवाले से भी बात होगी क्योंकि आज हम डिटेल में नहीं जा रहे तो इसलिए यहाँ पे मैं अभी बात नहीं करूँगा. उसके अलावा एक जो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जो है क्योंकि नॉन रेजिडेंट लोग हमारे माशाल्लाह चैनल बहुत देखते हैं तो हम उनको बताते थे कि जी 183 डेज से ज़्यादा अगर आप पाकिस्तान में रहेंगे तो आप रेजिडेंट बनेंगे. ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब से आया था तो उस वक्त से तो 182 डेज से ज़्यादा यानी 183 डेज या 183 डेज से ज़्यादा अगर आप पाकिस्तान में रहें उसको बिल ने प्रपोज किया था. और ये कुछ नंबर्स हैं जो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगा वरना कन्फ्यूजन होगी. एक नॉन रेजिडेंट पर्सन ने कॉल करके और उस वक्त मैं क्लाइंट के साथ लंच के लिए बैठे थे लेकिन वो इतने परेशान थे कि मैंने लाजमन बेहतर समझा कि उनकी बात सुनी जाए. तो उन्होंने 10 मिनट लिए और उन्होंने कहा कि जी इतनी कन्फ्यूजन हो गई है कि आया हम अपने घर विजिट करने आएंगे अपनी फैमिली को तो हम रेजिडेंट कहीं बन गए तो फिर तो हमें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी सारी वर्ल्ड इनकम भी शो करनी की वर्ल्ड और पाकिस्तानी एसेट्स भी. मैंने कहा नहीं परेशान ना हो जो रूल्स हैं वो हमेशा फेयर होते हैं. और जब टैक्स दोस्ती वीडियोज़ में जिस तरह आप फाइनेंस एक्ट 2019 की देख रहे हैं पार्ट वन जो बेस्ड है PwC की ये कॉमेंट्री आपके सामने तो चूंकि ये मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट रिलायबल है मोस्ट एक्सपर्ट भी हैं इस फील्ड में शबर जैदी साहब इस सीनियर पार्टनर है. इस दफ़ा तो उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू नहीं किया होगा बल्कि जो फाइनेंस बिल 2019 था और फाइनेंस एक्ट 2019 था उसके बनाने और उसके रिव्यू में बनाया तो लॉ मिनिस्ट्री ने होगा लेकिन उसको उन्होंने अच्छी तरह देखा होगा. और अच्छी बात है कि अगर लॉ बनने इवन बिल बनने से पहले यानी ड्राफ्ट लॉ बनने से पहले ही उन्होंने उसमें कोई गलतियां कंसेप्चुअल गलतियां क्योंकि माशाल्लाह इतना उनका ब्रॉड एक्सपीरियंस है उसको इतने फोकस तरीके से 40 साल से मेरा ख्याल है वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें ठीक की होंगी और उसमें फिर उस पर कॉमेंट्री वगैरह PwC और बाकी पार्टनर्स ने की. आप देख रहे हैं हम इसमें आज सिर्फ आपको बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं. तो रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट पर्सन को भी अफेक्ट करते हैं और रेजिडेंट. और अगर ये आपका स्टेटस सबसे पहली चीज़ है जो एज ए टैक्स पेयर या एज ए कंसल्टेंट आपको बताना चाहिए कि इस शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर मुल्क में लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें. फिर साथ ही ऑफशोर एसेट्स की बात आ गई यानी वो एसेट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किए उन पर ना सिर्फ पेनल्टी है यानी फाइनेंशियल यानी पैसे आपको एज जुर्माना नहीं पे करने होंगे बल्कि प्रोसिक्यूशन भी है आपको क्रिमिनल कानून का फेस भी करना पड़ेगा और जेल और मसाइल भी होंगे. तो ये प्रपोज्ड है यहाँ पे. उसके अलावा सेटलमेंट्स हैं रिफंड के सूरत में ये तो सिर्फ बड़े कारोबारी बिजनेसेस के लिए लेकिन टैक्स दोस्ती चाहेगा कि हम इसको बिल्कुल हर इंडिविजुअल के लिए कर ले सिंपली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए. जहाँ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हर टैक्स पेयर ऑनेस्टली अपनी टैक्स फाइलिंग करता है और फिर सेल्फ असेसमेंट के तहत सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसी तरह उनको ऑनेस्टली उनको रिफंड भी देना चाहिए. और फिर कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल्स रखने चाहिए कि मिसयूज ना हो लेकिन सिंपल होना चाहिए तरीका. फर्गसन ए फर्गसन पाकिस्तान की टॉप फर्म सबसे पुरानी फेडरल बजट का डॉक्यूमेंट देख रहे हैं
جو پھر قانون بن گیا وہ یہاں نوٹس کی صورت میں ہے، وہ ہم دیکھیں گے بعد میں. سپر ٹیکس کی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ انٹینجبل. سپر ٹیکس ہوتا ہے بیسکلی ایسے کمپنیز اور ایسے انڈیویجولس پہ لگتا ہے جو بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور 30-35% ٹیکس تو دے دیتے ہیں یا اپنی ٹیکس پلاننگ کے تھرو، جو ہم اب انڈیویجولس کو اسمال بزنسز کو بھی آفر کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیکس دوستی میں ہمارا سپورٹ ہے. میں ایز ایڈوکیٹ اینتھنی ولیمز آپ کو ہوں، اور میرا بیک گراؤنڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ٹریننگ ہے، اور میرے ساتھ افسیاب تنویر اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے دونوں پارٹنرز، خاص طور پہ کو فاؤنڈر تنویر جو ہیں، وہ اب 20 سال ان کا بھی ٹیکس کا ایکسپیرینس ہو گیا، انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی، میرا بھی. اسی طرح افسیاب کا کنسٹرکشن اور ٹیکس کے بہت سارے ایریاز میں ہم تین بھی ہیں، اور پھر پوری ٹیم بھی ہے، اور پھر میرے مینٹورز جیسے ڈاکٹر اکرام الحق وغیرہ ہیں جن سے ہم ریگولرلی کنسلٹ کرتے ہیں، ان کے پارٹنر اجاز صاحب وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی کوالٹی کی کنسلٹنگ دیں گے. آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا ٹیکس نیٹ میں، اگر کا ورڈ ٹیکس نیٹ کے لیے یوز نہیں ہے، ٹیکس نیٹ میں تو آپ آتے ہی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ضرور ہے. آپ دیکھ لیں یہ ٹیکسیشن آف نان کیش گفٹس. اب نان کیش گفٹ اگر کوئی دو لوگ دے رہے ہیں، وہ انکم بھی نہیں کماتے، دو مطلب اس طرح ہے کہ آپ کی ساس اور آپ کی مدر، تو اگر وہ گفٹ دے رہے ہیں تو وہاں بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ مشکل رشتہ ہے، لیکن وہاں بھی ٹیکس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس پہ کنسلٹنگ ضروری ہے. اور ہنسی مذاق تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن سیریس میٹر یہ ہے کہ ٹیکس آپ کے ہر اسپیکٹ کو افیکٹ کرتا ہے. انکم ٹیکس لا، سیلز ٹیکس، ویلتھ کا قانون امپلیمنٹڈ نہیں ہے، لیکن ٹیکس لا، انکم ٹیکس لا کے اندر ویلتھ کے ٹیکس کا بھی کچھ اسپیکٹ ہے، تو وہ ہے. تو اس لیے اس پہ بات کریں گے. سپر ٹیکس ہے یہ جو گریجویٹس کو ٹیکس، اگر ینگ گریجویٹس کو بزنسز کریں گے، اور یہ اسٹارٹ اپس، آئی ٹی فری لانسرس کو اسپیشل مشورہ ہے، اور ینگ بزنسز کو، اسمال بزنسز کو، آنٹرپرینیورس کو، کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، جتنا ٹیکس بنے اچھا نہ ہو کہ آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ مل جائے. تو ڈسکاؤنٹ کو ٹیکس کریڈٹ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کا 300 روپے ٹیکس بن رہا تھا اور آپ کا کچھ ایڈوانس ٹیکس سال کے دوران کٹ بھی گیا، پیچھے اگر 50 روپے آپ کو بچ بھی گیا، تو آپ نے ایک دو ینگ لوگ اگر ہائر کیے، اس کی وجہ سے آپ کو مزید کوئی 10-20 روپے، یا اگر ہزاروں یا لاکھوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک دو لاکھ روپے اگر سیو ہو جاتے ہیں، تو وائی ناٹ ینگ لوگوں کو آپ ہائر بھی کر لیں گے، ینگ مائنڈس، فریش مائنڈس، ینگ بلڈ. اور اگر آپ کی ینگ آرگنائزیشن ہے یا اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن ہے، بزنس ہے، تو ویل اینڈ گڈ. انٹینجیبلس کہتے ہیں پیٹنٹ، کاپی رائٹس، سافٹ ویئر، یہ بہت ضروری ہے. اور دین اگین جو بزنسز آئی ٹی بیسڈ ہیں، سافٹ ویئر بیسڈ ہیں، ہارڈ ویئر بیسڈ ہیں، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ سیکشنز ہیں. بے شک ان کی انکم ایگزیمپٹ ہو، لیکن ان کو جاننا ضروری ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے بزنس کو ماڈرنائز کرتے ہیں تو ٹیکس ڈسکاؤنٹ یعنی ٹیکس کریڈٹ ملے گا. ٹرانسفر پرائسنگ کہتے ہیں جب انٹرنیشنل بزنس آ کے یہاں لوکلی سیٹ اپ ہوتا ہے، اور پھر انٹرنیشنل چین اور لوکل بزنس کے درمیان وہ ہوتا ہے، دیکھ لیں گے. اس پہ بھی اگر بات ہو سکے، یہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسمال بزنسز کے لیے پورا جو قانون ہے اس وقت ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے انفارچونیٹلی، لیکن اسمال بزنسز، کنسٹرکشن، میڈیکل، ہاسپٹل، ایجوکیشنل، اور اس لسٹ میں فیڈرل گورنمنٹ اور لوگوں اور بزنسز کو بھی ایڈ کر سکے، ان کے لیے آسان طریقہ پیمنٹ کا، بک کیپنگ کا، ٹیکس فائلنگ کا، ان کی اسیسمنٹ کا، چاہے ہوتی تو آٹومیٹک ہی ہے ہر ایک کی، لیکن پھر جب آڈٹ میں آ جائے یا کسی وجہ سے، تو سی این آئی سی والا مسئلہ دیکھیں. اسی لیے نوٹس پہ بات میں کروں گا کہ کون سی چیز فائنل ہوئی، جس طرح سیلز ٹیکس لا میں کاٹیج انڈسٹری کی ڈیفینیشن کو چینج کیا گیا وغیرہ وغیرہ، تو ہم یہاں بات کریں گے. اور یہ زیادہ تر لوگ تو اس کو آسان اردو میں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن جو میکسیمم فائدہ اٹھائیں گے وہ کنسلٹنٹس اور جو ہمارا نیٹورک ہے ٹیکس دوستوں کا، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ آگے اپنے کلائنٹس کو اچھی کوالٹی انفارمیشن دے سکیں گے. انفارمیشن دینا بڑا ضروری ہے. اگر ایک اسمال بزنس ڈرا ہوا ہے کہ میں آ گیا تو پھر مجھے ایک بڑے فیکٹری یا ایک بڑے بزنس یا ایک ملٹی نیشنل کی طرح اکاؤنٹس بھی رکھنے ہوں گے اور کاغذ بھی دینا ہوگا اور ہر ایک ٹرانزیکشن بینک کے تھرو کرنی ہوگی، تو اس کو ایٹ ایز کرنے کے لیے 100% تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی بالکل آپ کچھ بھی نہ رکھیں، کیش پہ کریں ساری ٹرانزیکشن. منیمم بک کیپنگ آپ نے کنوینس کرنا ہے کہ منیمم بک کیپنگ کرنی ہوگی، لیکن گورنمنٹ بھی اپنے اینڈ سے پرپوز کریے، تو اس کو دیکھیں گے فائنل میں کیسا ہے. اسی طرح ٹرسٹ وغیرہ کے لیے
ٹیکس کریڈٹس یعنی جو ٹرسٹ شروع کرتے ہیں اچھی نیت سے ان کو ٹیکس ڈسکاؤنٹ وغیرہ. انایکسپلینڈ انکم اور ایسٹس جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ, اور اس میں بہت چینجز ہوئی ہیں. یہ جو ریسنٹ ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم تھی اس کے اندر بھی اس سیکشن سے 111 سیکشن سے جو ہے نا ایگزمپشن تھی کہ آپ ڈکلیئر کر دیں, ہم اس کو آپ کی انکم نہیں کنسیڈر کریں گے, آپ اس پہ تھوڑا سا پے کر دیں. تو اس ٹاپک پہ بات ہوگی. ود ہولڈنگ ہوگی ریزیڈنٹ پرسن سے اگر ان کو رائلٹی ملتی ہے. اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن کس نے فائل کرنی ہے جس کے پاس گھر وغیرہ بھی ہے. پھر ڈیو ڈیٹس کیا ہیں, ٹھیک ہو گیا نا, 30 ستمبر ہے یا 31st ہے. پھر یہ مانیٹرنگ ود ہولڈنگ اور ایسٹ ڈیکلریشن کے قانون کی بات ہے. پھر کچھ اور چیزیں ہیں, انکم ٹیکس آڈٹ رپورٹ ہے, یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر بزنس لائسنس اسکیم گورنمنٹ ایک لا رہی ہے کہ ہر بندے کو بزنس ہے. اچھا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ پھر اگر اس میں وہ مینولی کرنا پڑا یا اس میں کسی کمشنر یا اس کی اجازت کی ضرورت ہوئی پھر تو مشکل ہے. لیکن اگر آٹومیٹڈ امپرسنل ٹیکس رجیم آ گئی, یعنی کمپیوٹر ہی آپ کو دیکھے گا, جیسے آپ دیکھیں ایف بی آر معلومات ایک نیا پورٹل بنا ہے اور نادرا کے اوپر ایک ٹیکس پروفائلنگ سسٹم آ گیا جو آپ کو بتا رہا ہے کہ جب آپ کا سی این آئی سی گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس میں کہیں بھی یوز ہوتا ہے, ایون کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کا سی این آئی سی یوز ہوتا ہے جسٹ کہ آپ نے کسی جگہ کو انٹر کرنا ہے, تو وہ ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے, فائنینشیل اور ادروائز تو جاتا ہی جاتا ہے. تو اگر وہ کمپیوٹر اور سافٹ ویئر اور الگوریتھم خود بخود کرے, ٹیکس دوستی اس سلسلے میں کافی ہیلپ گورنمنٹ کی کر سکتا ہے, کیونکہ بیسکلی ہم سافٹ ویئر کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں ہم AI بیسڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے نا سسٹمس بنا لیں جیسے باہر ملکوں میں, تاکہ اگر کوئی ڈسکرپنسی کوئی ٹیکس ریٹرن میں کوئی واضح کوئی چیز نظر آئے تو تب اس شخص کو ٹیکس والے جو ہے نا کانٹیکٹ کریں, ورنہ تو چھوڑ دیں. ورنہ تو اگر کوئی شخص ڈکلیئر کر رہا ہے, ٹیکس پے کر رہا ہے, سسٹم کا حصہ ہے, ٹیکس نیٹ کا حصہ ہے, اور پھر ملٹیپل جگہوں پہ رجسٹرڈ ہے, مطلب چاہے انجینئرنگ کاؤنسل میں بھی رجسٹرڈ ہے, پھر انکم ٹیکس میں بھی رجسٹرڈ ہے, پھر اس کی فرم جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس بھی رجسٹرڈ, جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کا پورا نیٹورک ہے تو آپ اس کو کیوں جا کے دوبارہ اس سے پھر وہی ڈاکیومنٹس وہی شناختی کارڈ وہ چیزیں کیوں مانگتے. تو ویڈیو جو ہے نا شروع کے 7 منٹس میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ پرپس کیا تھا وہ بتا دیا گیا, پھر 7 منٹس کے بعد یہ جو ٹائم چل رہا ہے کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 40 منٹس تک ہو گئے, تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیکس لاء میں جو چینجز آئی ہیں وہ پرپوز جو تھی ان پہ بات کریں گے. ایگزمپشن ریٹ کیا ہوتا ہے, اسپیشل قسم کے بزنسز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی سروس مین وغیرہ اپنی پراپرٹی ڈسپوز آف کرے تو اس کو بینیفٹ ہے ایگزمپشن. یہ ایگزمپشنز شروع ہو گئی ہیں اور میں آپ کو کہوں گا کہ ٹیکس دوستی سب سے پہلے آپ کے سامنے ایگزمپشنز رکھے گا, آپ کے سامنے بینیفٹس رکھے گا اگر آپ ٹیکس میں پراپرلی آنا چاہتے ہیں. اگر آپ پھر وہی آ کے بھی ہاف ٹرانزیکشن کیش پے اور ایک بزنس کے چار حصے کر کے چار بھائیوں میں ڈیوائڈ کریں گے یا اس طرح کی اسکیمز اگر آپ کریں گے تو پھر تو ہم شاید آپ کی ہیلپ نہ کر سکیں, یہ بات آپ کو تھوڑی عجیب بھی لگے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایز اے کمبائنڈ 60 ایئرس کا ٹیکس ایکسپیرینس ہے اور ڈے ٹو ڈے ہم آپ کو یہ ویڈیوز کے تھرو, ہمارا جو ٹیکس دوستی بلاگ ہے, اس کے علاوہ میری جو اور تنویر کی جو انٹریکشن ہوتی ہے 1-on-1 ڈائریکٹ, جو کسٹمر ہے چاہے وہ نان ریزیڈنٹ امریکہ سے بات کر رہا ہے, چاہے وہ جو ہے نا کسی بہت ہی بیکورڈ ایریا میں ہے نوشاب سے اور وہ بات کر رہا ہے کہ وہ اپنی آن لائن انکم کی بات کر رہا ہے, یا کوئی لیٹسٹ اسٹارٹ اپ ہے جو اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے اور گرو کر رہا ہے ایکسپونینشلی, تو ان ساروں کو ہم جو ہے نا ان کے بزنس گروتھ اور فائنینشیل ماڈل کے مطابق جو ہے نا ہم ٹیکس ایڈوائز دے سکتے ہیں, دے رہے ہیں, اور ہم جو ہے اور سمپل ہم نے کیا ہے تاکہ آن لائن میٹنگس کے تھرو اور بہت سارا جو ٹائم ضائع ہوتا ہے, ایون لاہور بڑا شہر ہے, کلائنٹس اگر کہیں بےچارے گلبرگ یا ماڈل ٹاؤن سے آ رہے ہو تو میرے ملٹیپل آفیسز ہیں جسٹ بیکاز کہ اگر فیس ٹو فیس اپنا ٹرسٹ کی وجہ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ آن لائن بھی ہے, وائس میسج بھی ہیں, ہم بات کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا ٹیکس ہوسٹ اور ٹیکس دوست اینتھنی ولیمز, آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز, یہ ہے پارٹ 1 اور بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.